हेलो फ्रेंड्स, स्वाति की रेसिपी में फिर से आप लोग का स्वागत है। आज आपके लिए बनाएंगे आलू से एक नाश्ता की रेसिपी। वीडियो को लास्ट तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टू कप मैदा लेंगे, वन टीस्पून कलौंजी और हाफ टी स्पून जितना नमक डालेंगे और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरह। दो बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे, रिफाइन ऑयल। आप चाहो तो घी भी डाल सकते हो। ऑयल को अच्छी तरह मिलाएंगे। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे। अच्छी तरह डो तैयार हो गया है। अब इसको ढककर 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। उबला हुआ आलू 3 ठो लेंगे और इसका छिलका उतार देंगे। छिलका उतार लिए हैं, अब कद्दूकस आलू को कर देंगे। आलू कद्दूकस कर लिए हैं, 2-3 हरा मिर्च को काट के डाल देंगे। कटा हुआ धनिया पत्ता, हाफ टी स्पून गरम मसाला, हाफ टी स्पून लाल मिर्च पाउडर, 2-3 चुटकी काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, टीस्पून आमचूर पाउडर, 3 टीस्पून कॉर्नफ्लोर डाल लेंगे। अच्छी तरह मिला लेंगे। ऑयल लगाएंगे, आलू मसाला का थोड़ा सा लेंगे और सिलेंडर से दे देंगे। सभी को इस तरह बना लेंगे। सभी को बना लिए हैं। बड़ा बड़ा लोई काट लेंगे। सूखा आटा डालेंगे और उसको बेल लेंगे। साइड साइड थोड़ा सा काट देंगे, बीच से काटेंगे। आलू मिश्रण को इस तरह रखकर मोड़ लेंगे।
थोड़ा सा पानी लगा लेंगे इसको चिपकाने के लिए। देखिए कितना सुंदर दिख रहा है, सभी को इस तरह बना लेंगे। सभी को बना लिए हैं। तेल गर्म हो चुका है, अब इसको फ्राई कर लेंगे। अच्छी तरह फ्राई हो चुका है, देखिए कितना सुंदर कलर आ गया है, अब इसको निकाल लेंगे। वीडियो कैसा लगा फ्रेंड्स कमेंट में जरूर बताएं और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।